हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सर? दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या धाम दर्शन हेतु जानकारी के लिए। अयोध्या अगर आप जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में आज का वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अयोध्या जा रहे हैं तो हमें किस होटल में रुकना है, और अगर कुछ परेशानी होती है तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम सब लोगों के मन में तीव्र उत्कंठा है कि हम रामलला के दर्शन हेतु जल्दी से जल्दी जाएं। लेकिन ज़्यादा भीड़ की चिंता के चलते जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि निश्चित होकर जाइए। भीड़ तो अयोध्या नगरी में अब आने वाले लंबे समय तक रहेगी, लेकिन भीड़ के चलते वहां आपको राम जी के दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अयोध्या जी में प्रतिदिन करीब 3 से 4 लाख लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्था इतनी बेहतरीन और सुव्यवस्थित है कि आपको दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अयोध्या में रामलला के दर्शन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अयोध्या जी में बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित है। अगर आप अपनी गाड़ी से अयोध्या जा रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी अयोध्या के बाहर ही मेन हाईवे में उतरने पर ही अपनी पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी। वहां से मंदिर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पार्किंग के बाहर से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी जो आपको मंदिर से करीब आधा किलोमीटर पहले उतार देगी। सुरक्षा के चलते रास्तों में आवाजाही बदलती रहती है, तो हो सकता है आपको थोड़ा पैदल चलना भी पड़े। इसलिए कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने के लिए शारीरिक रूप से आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों। अगर हम अयोध्या आए हैं तो रामलला के दर्शन के लिए अगर थोड़ा चलना भी पड़े तो हम चल लेंगे दोस्तों। अयोध्या जी में बड़ी संख्या में बजट होटल व धर्मशालाएं हैं, इसलिए सामान्य व्यवस्था में रुकने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो कोशिश करें कि जेब में पैसे रखकर ले जाएं, क्योंकि मंदिर में मोबाइल, घड़ी, पेन, चाबी, माचिस, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सिक्के, लोहे, पीतल और बेल्ट का जो बकलन होता है वो अलाउड नहीं है दोस्तों। ले जाना सख्त मना है। मंदिर में सुरक्षा जांच से पूर्व लॉकर रूम भी बने हैं दोस्तों। आप अपना सामान वहां पे रख सकते हैं। अगर आप लॉकर रूम में सामान रखते हैं तो वहां के चलते आपको करीब 1 से 1.5 घंटा का समय लग सकता है, वरना आप मात्र 20 से 30 मिनट में दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। सुरक्षा जांच के बाद जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही आपको राम लल्ला दूर से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। आप पहले हॉल में चलकर जाते हुए 5वें हॉल में राम लल्ला के दर्शन करते हैं। भीड़ के चलते आपको वहां खड़े नहीं होने दिया जाएगा, लाइन चलती रहेगी, आप दर्शन करते रहेंगे। इसलिए पहले हॉल में ही अपने ध्यान का राम लल्ला पर केंद्रित कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई मलाल ना हो कि हमने रामलला के दर्शन नहीं किए। और आपके जो भी मन में मनोकामना है आप मनोकामना लेके जाइए और रामलला से कह दीजिए। मंदिर परिसर में बाहर आते समय आपको मंदिर प्रशासन की तरफ से निशुल्क प्रसाद दिया जाता है। निकास द्वार से बाहर आते समय इस बात का ध्यान रखें और अपना प्रसाद जरूर ले लें। अयोध्या जी में इस समय अंत में ध्यान रखें कि मंदिर और पुलिस का व्यवहार व व्यवस्था बहुत ही शानदार है, तो उनके जवाब में हमारा आचरण और सौम्य और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। अगर हम अयोध्या नगरी जा रहे हैं तो हमारा स्वभाव लोगों के प्रति, पुलिस के प्रति अच्छा रहना चाहिए, ताकि हम सहयोग दे पाएं। अयोध्या इस समय उत्सव नगरी बनी हुई है, उसी माहौल में उसी भाव के साथ रहें और बनाई गई व्यवस्थाओं के हिसाब से ही आचरण करें। भड़कीले और फूहड़ वस्त्रों का प्रयोग ना करें, अच्छे से अच्छे वस्त्र अयोध्या मंदिर में जाने के लिए पहने।
रामलला के दर्शन का मौका मिले तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। मंदिर के पास में ही हनुमानगढ़ी और मंदिर है, कनक महल है, दशरथ महल भी लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है, सरयू का नया घाट लगभग 2-2.5 किलोमीटर है दोस्तों। अगर आप अयोध्या जाते हैं तो सरयू नदी में स्नान जरूर कीजिए दोस्तों, वहाँ पे श्री राम जी ने समाधि ली थी, तो बहुत ही पवित्र नदी है सरयू नदी। देश भर की बहुत सी धार्मिक संस्थाओं ने सुबह से रात के निशुल्क लंगर चला रखे हैं, आप वहाँ खा भी सकते हैं और लंगर के लिए कुछ अधिक योगदान भी दे सकते हैं। अगर आपको मन करता है कि डोनेशन देना है तो आप वहाँ डोनेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास गुजराती धर्मशाला है, आप 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कीमत के रूम भी ले सकते हैं दोस्तों, साथ में खाना भी वहाँ फ्री में मिलता है। कम बजट के लोगों के लिए एक बड़ा हॉल भी है जिसमें कई सिंगल बेड के साथ पंखे भी लगे हुए हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। साथ में आप लोगों को अनलिमिटेड खाना भी दिया जाएगा, वो भी फ्री। वहीं अगर आप प्राइवेट रूम लेकर रहना चाहते हैं तो 2, 3 और 5 बेडरूम कमरे भी वहां पे उपलब्ध है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है अयोध्या में। यह रेलवे स्टेशन से 2 मिनट पैदल की दूरी पर है। अयोध्या में सबसे सस्ती और अच्छी जगह बिरला धर्मशाला भी है, जहां आपको 200 से 500 रुपये में भी 5-3 स्टार जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। खास बात यह है कि यहाँ खाना फ्री में मिलता है, जिसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगता है। आप अपने कितने भी बड़े ग्रुप के साथ आए, यहाँ आपको रूम आसानी से मिल सकते हैं। पता न्यू कॉलोनी पुराना बस स्टैंड के पास। बस हाँ, यह ध्यान रहे कि कोई भी होटल या धर्मशाला बुक करे तो एक बार वहाँ की सुविधाओं से लेकर कीमत तक की सारी जानकारी आप लोग हासिल कर ले दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। अगर आपको अयोध्या नगरी की थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और कभी मौका मिले तो अयोध्या नगरी जरूर घूम के आइए और सरयू नदी का पानी को भी स्पष्ट कीजिए और पावन पवित्र धरती को स्पर्श कीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो आप लोगों को अयोध्या नगरी का अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ।